अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करते हैं, तो हम सबसे पहले आपको चाशनी ही दिखा देते हैं। एक बड़ा सा बर्तन ले लें, गुलाब जामुन जितने हम बनाते हैं साइज में फूल के वो डबल हो जाते हैं, तो बड़ा सा बर्तन ले लें चाशनी के लिए, क्योंकि जिसमें हम चाशनी बनाएंगे उसी में ही हम अपने गुलाब जामुन छोड़ने वाले हैं। तो हम इसके अंदर डाल लेते हैं ये 1 kg चीनी। फटाफट ये चीनी हम डाल लेते हैं। ये देखेंगे इसमें एक सिनेमन स्टिक का टुकड़ा पड़ा हुआ है। ये हमने समीनाज किचन टिप्स पे जो टिप्स दिए थे चीनी के डब्बे में एक ही छोड़ने के लिए, ये तो इसमें आ गया तो मैंने आपको बता दिया। जितनी हमने चीनी ली है यानी कि 1 kg, उससे हाफ हम पानी डालेंगे, यानी कि हम इसमें 1/2 लीटर पानी डाल लेते हैं चीनी से आधा। इसके अंदर नाप तोल बहुत जरूरी होती है गुलाब जामुन के अंदर आपको आसानी रहने के लिए। ये देखें हम इसको यूं हल्का सा यूं हिला देंगे। और इसके अलावा हम अपने गुलाब जामुन स्टफिंग करेंगे, उसके अंदर हम इलायची के दाने डालते हैं हमेशा कूट के, तो ये बीज ये छिलका बचा हुआ होता है हम इसको कभी वेस्ट नहीं होने देते, हम ये भी डाल देते हैं चाशनी के अंदर। इससे फ्री में ही हमारी चाशनी बहुत टेस्टी हो जाएगी और ये छिलका पक के अच्छा दिखता है, गुलाब जामुन के ऊपर लगा हुआ आता है तो और भी अच्छा दिखता है। हम इसको पकने के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देते हैं और किस तरीके की पकी हुई होनी चाहिए वो दिखाते हैं आपको। 20 ग्राम बादाम है, 20 ही ग्राम हमने काजू टुकड़ा लिया है, इससे छोटा भी पड़ा हो पास में तो वो भी ले सकते हैं, और 10 ग्राम के करीब हमने ये पिस्ते लिए। हमने ये 1 टेबल स्पून चीनी ली है और थोड़ी सी हम इसके अंदर ये जाफरान डाल देते हैं, ये भी हमारी स्टफिंग में जाने वाली है। 1 टेबल स्पून हमने चीनी ली है तो इसको बाद में घिस लेते हैं, हमने आपको दिखा दिया है किस तरीके से घिसना है। इसको हम साइड सरका देते हैं। इसके अलावा हमें थोड़े से इलायची के दाने भी चाहिएंगे, इसको भी हम कूट लेते हैं। ये हमारी 12 हरी इलायची है, तो ये हमारे पास मेन खोया है, फ्रोजन मिला है, फ्रोजन ले लिया है, सॉफ्ट वाला मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं। हमारे पास ये 500 ग्राम है और 200 ग्राम ये पनीर है। हम इस खोया भी आप चाहें तो पूरा पकड़ के यूं करके इसको कद्दूकस कर लें, बहुत आसानी से हो जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमारा पनीर और ये और थोड़ा सा हमें दूध भी चाहिएगा, सिर्फ हाथ को गीला करने के लिए, इसमें छींटा मारने के लिए। और 100 ग्राम कह सकते हैं, या फिर हम ये 1/2 कप फुल भर के मैदा लेने वाले हैं, मैदा छनी हुई होनी चाहिए। तो ये अभी हम कप इसी में रख के इसको साइड कर देते हैं। इसके अलावा हमें ऑयल चाहिएगा, आप चाहें तो देसी घी में बना लें, बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन सिर्फ उसमें एक ही हरज है कि जो गुलाब जामुन बच जाते हैं 2-4 दिन में खत्म नहीं हो पाते हैं तो उसको हम फ्रिज में रख देते हैं। तो आपका देसी घी में बने हुए होंगे तो जाहिर सी बात है आपको वो बिल्कुल गर्म करने पड़ेंगे, वरना देसी घी जम जाता है, इसलिए हम ऑयल में बनाना पसंद करते हैं। उसको आप 10 से 12-15 दिन भी फ्रिज में रख सकते हैं तो वो जमते नहीं है। हमने चाशनी पकने रख दी है, लेकिन उसका ध्यान रखना है बीच बीच में उसको चलाते रहना है, वरना आपकी चीनी नीचे लग जाएगी और पूरी चाशनी खराब हो जाएगी। ये देखें हमने खोया और पनीर कद्दूकस कर लिया है, अब हम इसे कद्दूकस को साइड रख देते हैं। आप देखेंगे कि हमने ये 100 मिलीलीटर के करीब दूध ले लिया है और दूध हम पहले से ही नहीं डालते हैं, देखेंगे ज़रूरत होगी तो हम डालेंगे। आप देखेंगे सबसे पहले हम ये खोए और पनीर को अच्छे से ही फैला लेते हैं ट्रे में, और इसमें हम डाल देते हैं 1/2 कप ये मैदा। मैदा की जगह आप इसके अंदर रवा भी डाल सकते हैं, तो ये डाल लेना है। और इसको जैसे आटा गूंदते हैं इस तरीके से गूंदेंगे हम। आपका खोया फ्रेश होगा, सॉफ्ट खोया मिलता है हलवाइयों के यहाँ, तो आपकी मैदा इससे थोड़ी ज़्यादा भी डल सकती है। तो हम इसको देखेंगे कि हाँ इसमें ज़रूरत है, हाँ इसमें ज़रूरत है, ये हम डाल देते हैं 100 मिलीलीटर में से 1/2 दूध। और आप देखेंगे पनीर और खोए के जो ये इस तरीके के दिख रहे हैं, हम इसको इतनी देर मथेंगे कि ये बिल्कुल एक में दूसरा शामिल हो जाएगा और हमारा डो ऐसा हो जाएगा कि ये बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, पूरा डो एक सा होना चाहिए। हम इसके अंदर ये पूरा 100 मिलीलीटर दूध पूरा ही ऐड कर लेते हैं और इसको मथते हैं। ये देखें इस तरीके से मथना है। आपने मक्का की या बाजरे की रोटियां बनाई हों कभी तो बिल्कुल इस तरीके से मथेंगे। एक चीज और दिखा दूं मैं, ये आप देख सकते हैं बिना मथा और ये मथा हुआ एकदम फ्लफी सा हो गया है। आप इसमें मैदा या कोई भी कण आपको पनीर का या उसका अलग नहीं दिखेगा। तो ये हमारा अभी पीछे जो रखा हुआ है ये मथा हुआ नहीं है, तो इस तरीके से मथना है।
और जैसे ही हमारा डो तैयार हुआ है हमने मीडियम फ्लेम कर दिया है। और अब आप देख सकते हैं हम ये चमचा हल्का सा यूं हिलाते हैं, इसके अंदर जरा सी चाशनी है, इसको हल्का सा यूं टच किया और देखते हैं अभी इसमें चिपक नहीं है। तो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते हैं 2 मिनट के लिए, हल्की सी चिपक होनी चाहिए। वैसे तो इसमें भी गुलाब जामुन डल जाएंगे, फिर भी पकने देते हैं 1 से 1.5 मिनट। ये हमारे नट्स हैं, हमने इसको कद्दूकस कर लिया है। जो हमने 1 टेबल स्पून शुगर दिखाई थी आपको और ये जाफरान दिखाई थी, ये बड़ा अच्छा कलर देंगे जाफरान के फूल इसके अंदर, इसको मिला लेते हैं। इसके साथ ही हमने जो आपको इलायची दिखाई थी उसका पाउडर है, हमने इसको हवन दस्ते में कूट लिया है, 2-4 छिलके भी हैं, हरज नहीं है, छिलके समेत ही डाल देते हैं। इसको मिला लेते हैं और ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। देखें हमारी चाशनी पक के तैयार है, इसको हम रख देते हैं चाशनी को साइड में और फौरन इस पे चढ़ाते हैं हम कढ़ाई, और कढ़ाई में डालते हैं हम ऑयल। जैसे ही इसका पानी खत्म होता है फौरन हम इसमें, ये देखें हम क्या करते हैं, हमने अपना तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। हम इसमें से ये हमने निकाल लिया, अच्छे डो की पहचान है कि ये अब नहीं चिपकना चाहिए हमारे हाथ पे, क्योंकि अब ये पूरा तैयार है। तो हम क्या करते हैं इसमें से एक साइज के जितने हमें बनाने हैं उससे हमें आसानी रहेगी, यूं करके फटाफट हम इसके ये गोले से तोड़ लेते हैं। पूरे हम इसी तरीके से तैयार करेंगे, लेकिन हमें से अंदर से भरने भी हैं तो हम आपको एक दिखा भी देते हैं। यरिया हम इसको यूं करेंगे, ये गोल किया हमने और जो हमने हल्का सा यूं करा बीच में से यूं दबा देते हैं। और ये जो हमने इसकी स्टफिंग तैयार की है हम ये आपको 2 बार दिखा चुके हैं। इसमें से एक छोटी सी चम्मच से लेंगे और ये स्टफिंग यूं डाल देंगे। स्टफिंग बहुत कम भरनी है, बहुत ज़्यादा भरेंगे तो आपका जिधर से हमने यूं जोड़ को यूं बंद कर देना है और फिर से इसको यूं गोल गोल घुमा देना है। स्टफिंग कम ही भरनी है, ज़्यादा स्टफिंग भरेंगे तो आपको गुलाब जामुन टूट सकता है। हम चीनी इस्तेमाल करते हैं थोड़ी सी ताकि वो अंदर से भी बिल्कुल मीठा निकले। तो ये इस तरीके से हम पूरे गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो रहा है तो हम पहले आपको दिखाते हैं। एक ही छोटा सा पीस हमने इसको इसी तरीके का बना लिया है बिल्कुल, हम ये डाल कर देखते हैं। ये बिल्कुल मीडियम फ्लेम जो होता है उस पर ही फ्राई होते हैं। ये देखेंगे ये तैर के ऊपर आ गया, ये नीचे रह जाता है या ये बिखर जाता, तो इसमें खोया बहुत ज्यादा था, खोया ज्यादा होता तो ये बिखर जाता। ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। हमने जो सबसे पहले एक बनाया था जो आपको दिखाया था ये हमारा बिना स्टफिंग का है, हम ये भी डाल देते हैं, चेक करना है। एक हम स्टफिंग वाले भी चेक करेंगे कि कहीं स्टफिंग वाला फट तो नहीं रहा है। तो ये देखें जैसे ही ऊपर आएगा तो हम इसको चला देंगे। बहुत देर तक आपका गुलाब जामुन फ्राई करने में ऊपर नहीं आता है तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो नीचे से ज्यादा सिक जाएगा। तो उसको हल्का सा टर्न कर दें, उसके बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आपका तेल बहुत तेज होगा तो इस पे बबल्स से आ जाएंगे जो बिल्कुल सही नहीं होंगे। तो या तो उसके अंदर फौरन से आप और गुलाब जामुन ऐड करेंगे या फिर अपने फ्लेम को कम करेंगे। तो ये अभी भी हल्का सा तेज है क्योंकि हमने 2 ही पीस डाले हैं, तो ये सब कुछ बिल्कुल इसमें परफेक्ट है। तो हम इसमें फौरन ऐड करते हैं अपने और भी गुलाब जामुन, और हमने अपने फ्लेम को भी थोड़ा सा क्या, हमने उसको स्लो ही कर दिया है। तो ये डालते हैं हम इसके अंदर, ये देखें हम फटाफट ये बनाते जा रहे हैं और ये डालते भी जा रहे हैं। हर गुलाब जामुन का ध्यान रखना है, ये नहीं कि अब हमारे परफेक्ट बन गए तो दूसरों को यूं डाल दें फटाफट। उसको बहुत अच्छे से देखना है घुरमा के कि कोई क्रैक तो नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं ये हमारे वो गुलाब जामुन है जो हमने सबसे पहले डाले थे। एक हमने चेक करने के लिए छोटा सा पीस डाला था, एक हमने स्टफिंग वाला डाला था और एक ये डाला था। और ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा है। जौन सा कलर आपको रखना है उससे थोड़ा सा डार्क कलर रखें, क्योंकि ये बाद में थोड़े से लाइट हो जाते हैं। तो ये देखें हमारी चाशनी भी यहीं पर है, ये बिल्कुल सही कलर है। और शीरे में जाने के बाद ये थोड़ा सा और लाइट होगा, तो ये हम डाल देते हैं चाशनी के अंदर। ये चाशनी में हमारे गुलाब जामुन डले हुए हैं, चाशनी के ऊपर भी गुलाब जामुन आपके ये तैरने ही चाहिए, तेल की तरह नीचे बैठ जाएंगे। वो गुलाब जामुन आपके हार्ड होंगे खाने में, अच्छे ही नहीं होंगे, वो अंदर से कच्चे होंगे। तो कभी भी गुलाब जामुन बना रहे हैं बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले एक या दो उसको टेस्ट करने के लिए जरूर देखें। तो ये देखेंगे स्पून हमारी इस तरीके से, मुझे भी नहीं पता ये स्टफिंग वाला है या बिना स्टफिंग वाला है ये। तो ये देखें देख सकते हैं अंदर से इस तरीके का दानेदार, जबकि ये सिर्फ हमने अभी बनाए ही हैं,
ये इतना सॉफ्ट है, ये देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है गुलाब जामुन। और दूसरी बात, इतना सॉफ्ट जो होगा गुलाब जामुन और जिसका कलर ऐसा होगा ना, उसको हम अभी निकाल लेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा बाहर निकालने से, तो उसको हम फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से गुलाब जामुन बनाइए, इसको भी कट करते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट गुलाब जामुन है तो इस तरीके से बनाएंगे। बनाइए और हमारे समीनास किचन टिप्स पे जरूर जाइए और हमारे फेसबुक पे भी हमारे पेज को जरूर लाइक कीजिए। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अल्लाह हाफिज़।